ट्रायल रूल की गाइडलाइन के मुताबिक कोई भी केबल ऑपरेटर या डीटीएच कंपनी 130 रुपए से ज्यादा नहीं ले सकती, पर 130 रुपए से कम कोई भी डीटीएच कंपनी और केबल ऑपरेटर किसी भी कस्टमर से ले सकता है। कोई भी डीटीएच कंपनी अपना मंथली चार्ज कम कर सकती है, चाहे वो 99 रुपए कर दे मंथली चार्ज, चाहे वो 100 कर दे, चाहे उससे भी कम कर दे, ये उसके अपने हाथ में है, ये ट्राई रूल की गाइडलाइन में है। अब पिछले दिनों टाटा स्काई ने कहा है कि जो जिसने भी 40 HD चैनल लिए हो या जिसके पास 100 से ज्यादा चैनल हो SD, उसका रेंट वो कम करेंगे, उसको भी 99 पर लेकर आएंगे। ऐसे ही इनको लाना पड़ेगा, ये आज तक तो ऐसा नहीं लाए कोई भी कंपनी, पर अब लाना पड़ेगा इनको। यहां पर हम एक मजबूरी समझे केबल ऑपरेटर की, क्योंकि केबल ऑपरेटर को कुछ सर्विस देनी पड़ती है अपने हर यूजर को, कहीं भी कोई वायर में प्रॉब्लम आ जाए या कुछ ठीक से ना चल रहा हो तो उसको अपने टेक्नीशियन रखने पड़ते हैं, दो तीन उसको अपने बंदे रखने पड़ते हैं जो उसको रिपेयर करते हैं हर टाइम, उसको कुछ खर्चा पड़ता है पर वो भी कम कर सकता है, उसकी तो मजबूरी है। पर DTH कंपनियों की क्या प्रॉब्लम है, वो कम नहीं कर रहे। एक बात देखिए, अगर हमारे डिश में कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो खराब हो जाए, तो हम उनका जो भी ठीक करने वाला आएगा उसको हम पे करेंगे प्लस 150 रुपया, 175 है किसी का रेंट, किसी का 150 है, किसी का 125 रुपया है, ऐसे उनको पे करने पड़ेंगे, हमको पे करने पड़ेंगे उनको, तब जाकर हमारी डिश ठीक होगी। कोई भी हमारी छतरी लगी हो, सेट टॉप बॉक्स लगाओ तो वो ठीक होगा। अगर कोई और प्रॉब्लम आ जाए, सेट टॉप बॉक्स में प्रॉब्लम आ जाए या ऊपर छतरी में कोई प्रॉब्लम है, उसके पैसे अलग से देने पड़ेंगे, ये सब चीज का चार्ज हम ले लेते हैं और 130 रुपए मंथली रेंट भी लेते हैं। इनको टक्कर देने के लिए जियो गीगा फाइबर आ चुका है। जियो गीगा फाइबर बहुत सभी सहूलतें दे रहा है और बहुत सस्ते प्लान दे रहा है, बहुत सस्ते रेट में वो नेट दे रहा है, सभी चैनल दे रहा है, सब कुछ दे रहा है। इससे अब सभी DTH कंपनियां परेशान हो चुकी हैं कि उनके आने वाले टाइम में यूजर, जो उनके यूजर है वो कम हो जाएंगे। ये बात भी सही है कि अब कम होंगे ही होंगे, क्यों, हर इंसान 130 रुपए पहले वो दे 18% GST, उसके बाद चैनल के पैसे एक्स्ट्रा दे 400-500 रुपए मंथली इनको क्यों दे, जबकि जियो गीगा फाइबर नेट भी साथ में मिलेगा, वहां नेट भी यूज करने को मिलेगा, हर चीज वो साथ में दे रहे हैं, बहुत सारी सुविधा दे रहे हैं, फोन साथ में दे रहे हैं, बात करने के लिए वहां आउटगोइंग इनकमिंग SMS सब सुविधा मिलेगी। तो अब इन सबसे परेशान होकर DTH कंपनियां आने वाले कुछ ही टाइम में प्लान को, जो इनका रेंट है, इसको कम कर सकती है, इसको कम करके चाहे 99 पर लेके, चाहे 100 रुपए पर लेके, चाहे उससे भी कम करे, ये इनको जल्दी ही करना पड़ेगा आने वाले 1-2 महीने में, क्योंकि जियो गीगा फाइबर अब जल्दी अपने पैर पसार रही है, वो आने वाले 6 महीने से 1 साल में पूरे भारत के, पूरे भारत में हर शहर हर गांव में फैल जाएगी, हर घर तक पहुंच जाएगी। जैसे जैसे वो पहुंचेगी वैसे वैसे इनके सब्सक्राइबर, इनके यूजर कम होते जाएंगे। आशा करते हैं जल्दी ऐसा कुछ करे और यूजर को कुछ फायदा दे। थैंक यू दोस्तों।